भाई साहब हमसे कहा गया था कि शेर पाला है शेर, लेकिन ये नहीं बताया था कि मिट्टी का पाला है। जी हाँ, एक बल्ले 100 सर लाएंगे। लाल आग, लाल आग अंदर की बात नहीं बताई थी कि लाल आग देखोगे भी और ऐरा गहरा दिखा के चला जाएगा। ये समझ लीजिए कि लंगड़े ने उछल कर लात मारना शुरू कर दिया है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। और पहली वो खबर दिखा रहा हूँ जो सबसे बड़ी खबर है और गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि वो खबर ये आपके सामने रखे। मेरे दोस्तों, जहां मोदी सरकार ने सारी ताकत कांग्रेस और मुसलमानों के खिलाफ झोंकी है, ऐसे में लंगड़ा भी उछल कर लात मार रहा है। ये देखिए भूटान, भूटान ने भारत को लाल आंख दिखाई है। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन बात हकीकत है, भूटान ने ऐसी लाल आंख दिखाई है कि भारत के लिए खतरा हो गया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार खुद कह रही है, भारत की रक्षा मंत्रालय खुद कह रही है, भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। 2017 में भारत और चाइना के बीच बिल्कुल टकराव की स्थिति डोकलाम में बन गई थी। अब दोस्तों उसके बाद भूटान के अंदर चाइना ने घुसकर पूरा का पूरा गांव बसा लिया। याद दिलाना जरूरी है क्योंकि चैन बनाकर इनकी धज्जियां उड़ाऊंगा। जी हां, ये देखिए इस जगह चाइना ने खुद अपने सैटेलाइट ग्राफिक से बताया है पूरी की पूरी एक बस्ती बसा दी है। अगली ये देखिए तस्वीर, ये देखिए वो तो मैप दिखाया था, ये देखिए भाई साहब HDR क्वालिटी में आपको जो भूटान के अंदर गांव बसाया है चाइना ने वो दिखा रहा हूं। ये देखिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरफ नदी बह रही है, दूसरी तरफ रोड है, बीच में रास्ता है, गांव पूरी तरह से देखिए पूरी तरह से हाईटेक टेक्नोलॉजी है यहां पर, खतरनाक टेक्नोलॉजी भाई चाइना ने बनाया है, पूरी ताकत अपनी झोंकी है। चाइना ने भूटान के अंदर गांव बसाया, यानी भूटान के अंदर चीन घुस गया। भारत ने विरोध किया, भूटान ने विरोध किया, लेकिन भूटान का भू अलग कर दिया, टान अलग कर दिया और चाइना ने जो करना था कर लिया। अब भारत के लिए मुश्किल क्या है? जहां भारत और भूटान एक साथ थे और बातचीत कर रहे थे, वहीं पर एक कॉरिडोर है, एक 3 पॉइंट्स हैं जहां पर चाइना भारत और भूटान की जो गर्दन है वो मिलती है। ये देखिए दोस्तों, इसको ट्राई जंक्शन कहा जाता है, जहां पर ऊपर देखिए चुंबी घाटी चीन की है, सिक्किम भारत है और नीचे डोकलाम है, और जहां हमने रेड एनिमेशन आपको दिया है उसे ट्राई जंक्शन कहते हैं। अब चाइना क्या कर रहा है, याद रखिएगा ये डोकलाम नीचे भूटान है, ठीक है? तो चाइना इस रेड लाइन को, इस पॉइंटर को जहां तीनों मिलते हैं, इसको बढ़ाना चाहता है, बढ़ाकर उसको नीचे लाना चाहता है। देखिए यहां लेके आना चाहता है माउंट गिप मोची पर। अब ये कितना बड़ा खतरा है मैं बताता हूं। अब जब ये अपना ऊपर से शिफ्ट करके इस ट्राइजेक्शन को यहां नीचे ले आएगा, तो असल में डोकलाम का यानी भूटान का जो ऊपरी हिस्सा होगा वो चाइना के हाथ में आ जाएगा। ये देखिए ये पूरा इलाका जो रेड लाइन किया है, ये ऑटोमेटिकली चाइना के अंदर चला जाएगा, चाइना के हाथ में आ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो भारत के लिए बड़ा खतरा होगा। अब वो क्यों, भारत के लिए खतरा क्यों होगा, अब आप समझिए। देखिए भारत के लिए खतरा क्यों होगा, बहुत आराम से ग्राफिक्स के जरिए समझिए। भारत की जो पतली सी गर्दन है ना, ये भूटान से जाकर मिली हुई है, लेकिन भूटान के नीचे देखिए जो रेड सर्कल आपको दिख रहा है ये चिकन नेक कहलाता है। और भूटान के दूसरी तरफ भी हम भी हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये इलाका हमारा है पूरा का पूरा। अब आप देखिए भूटान में स्टैंड ऑफ, जहां रेड लाइन से लिखा हुआ है, यहां पर 2017 में चाइना से हमारा बिल्कुल टकराव हुआ था। अब चाइना इसी जो स्टैंड ऑफ वाला इलाका है,
इससे 7 किलोमीटर और नीचे आना चाहता है, और अगर 7 किलोमीटर नीचे आ गया तो इससे जो भारत का जो चिकन नेक है, हमारी जो गर्दन है, उस पर जो हमारी पोस्ट है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारी जो पोस्ट है, उस पर सीधी नज़र होगी। और खुदा ना खास्ता अगर उस पर अटैक वो कर गया चाइना, और ख़तरनाक तरह से उसने कुछ बड़ा कांड कर दिया, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ, तो ये चिकन पॉइंट है हमारी, जो ज़रा से गलियारा दिख रहा है, ये पूरा काट देगा, वो चाइना काट सकता है। और जब वो चाइना ने अगर इस इलाके को काट दिया, तो इधर का पूरा इलाका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, ये पूरा इलाका जो सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, वो पूरी तरह से हमसे अलग हो जाएगा। अब चाइना की यही चाल है, सबको पता है, इसलिए भारत को खतरा है। अब आप कहेंगे कि रजा भाई इसमें भूटान ने भारत क्या दिखाई, मैं बताता हूँ। भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ जाने वाला बयान दिया है। अभी तक भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन अब क्या है, ये मामला भारत और भूटान के बीच का था कि आपके हमारे बीच में जो बॉर्डर को इशू लेकर है, वो हम दोनों के बीच में है। लेकिन अब भूटान के प्रधानमंत्री ने इसमें इन्वॉल्वमेंट विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए चाइना को दे दी है, और कहा है कि ये 3 देशों का मसला है, 3 देशों के बॉर्डर मिलते हैं, यानी अपने इंटरनल मामले में भूटान ने चीन को अहमियत दे दी है कि आप आइए अंदर, आप मिलकर बैठ के बात करेंगे। और अगर ऐसा हुआ, और खुदा न खास्ता 7 किलोमीटर वो भूटान के अंदर घुसा, भूटान का इलाका भी जाएगा, और हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चाइना सीधा नज़र रख सकेगा, ये भारत के लिए एक बड़ा ख़तरा है, समझ रहे हैं। हर जगह खबर आ चुकी है, अब आप देखिए, सोचिए, समझिए कि लाल आँख कितनी पावर में है, और लाल आँख कितनी ख़तरनाक थी, और हमने ये वाला शेर पाला है हमने, और फलाने हैं तो मुमकिन है। लो, इस पर गोदी मीडिया पूरी तरह से शांत है। हाँ, NDTV ने रिपोर्ट जारी की है, NDTV के ही सोर्स से मैं आपको ये बता रहा हूँ, NDTV ने इसकी रिपोर्ट जारी की है, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, बाकी गोदी मीडिया जो पूरी तरह से नंगा और जलील मीडिया है, वो पूरी तरह से खामोश है। इस पर आपकी जो राय है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, अंधभक्तों के तमाम क्षेत्र के अंदर इस रिपोर्ट को पहुँचाने में हमारी मदद करें, इस वीडियो के लिंक को हर जगह पेस्ट करें, इस वीडियो को डाउनलोड कर हर जगह डालिए, आप पर कोई कॉपीराइट नहीं है। रिपोर्ट शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, फिर से आ रहा हूँ बड़े अपडेट के साथ। जय हिंद।